नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। कलंक के लिए मुश्किलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आलिया और वरुण के घायल होने के बाद एक और हादसा हो चुका है। जी हां, कलंक के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि फिल्म के सेट पर शूटिंग के वक्त सबसे पहले वरुण धवन को चोट लगने की खबर आई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही सेट पर शूटिंग के वक्त आलिया भट्ट के पैर पर भी चोट लग गई थी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आलिया के बाद आदित्य राय कपूर के भी जख्मी होने की खबर सामने आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से शूटिंग को रोक देना पड़ा। खबर मिली है कि लगातार बारिश के चलते फिल्म के लिए बनाया गया सेट गिर गया है और इससे प्रोड्यूसर को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को एक बार फिर टाल दिया गया है। ये सेट मुंबई के अंधेरी के चिरकुट ग्राउंड पर बनाया गया था। इस सेट में फिल्म के कुछ हिस्से शूट होने थे और ये शूटिंग का तीसरा शेड्यूल था, लेकिन अचानक हुए हादसे के बाद शूटिंग को आनन फानन में रोक दिया गया है। आपको बता दें कि सेट को अमृता लाल ने डिजाइन किया था और सेट को पहुंचे नुकसान के चलते इसे दोबारा बनाया जाएगा और फिल्म की शूटिंग उसके बाद ही शुरू की जाएगी। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।